आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे। यस, कोच राजबंशी, आसाम वेस्ट बंगाल में आपको पता ही है इस साल चुनाव है, मई में शायद होंगे, अभी डेट तो प्रॉपर अनाउंस नहीं हुई है। वेस्ट बंगाल तो एक टसल, ये पॉलिटिक्स मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। आपको पता है मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री कवर भी की है, सारे राज्यों की, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की बायोग्राफी कवर की है। तो भारत में पॉलिटिक्स जो है ना वो सबके रगो रगो में बसी है। चाय की दुकान पे चाय मिले ना मिले पॉलिटिक्स जरूर मिलेगी, डिस्कशन जरूर होता है। तो हम बात करेंगे ये जो कोच राजबंशी हैं, इनका जो वोट है आसाम और वेस्ट बंगाल में कितना जरूरी है, और हम पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे एज यूजुअल, क्योंकि भाई चुनाव है वेस्ट बंगाल आसाम दोनों में। यूपीएससी के टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, आईबी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की, काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स है, आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, मुझे आप यहां पे जरूर फॉलो करें। अमित शाह जी जो है, क्योंकि मैं ये थर्सडे को लेक्चर बना रहा हूं, तो ये आसाम और वेस्ट बंगाल जाएंगे, वहां पे ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एड्रेस करने वाले हैं। अब पॉलिटिक्स यार ऐसी चीज है ना कि आपको हर किसी को साथ में लेके चलना पड़ता है। बड़े बड़े लुभावने वादे, हम तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे, तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे, जब वोट मिल जाता है तो फिर 5 साल तक उनको वेट करना पड़ता है कि हमारा ख्याल रखेगा कौन। ऐसा होता है, हर कम्युनिटी को बहुत सारे वादे किए जाते हैं जो शायद अगर ग्राउंड रियलिटी देखे तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या ना करवा दे, है ना। तो जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो आसाम और वेस्ट बंगाल में जाएंगे। अभी जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पे वो कूच राजबंशी को एड्रेस करेंगे। आसाम जो है, आसाम में वो अनंत राय जो कि बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, भैया कूच बिहार तो रॉयल फैमिली थी ना, तो वहां के जो रॉयल फैमिली ऑफ कूच बिहार, इन्फ्लुएंशियल लीडर, उनके यहां भी जाएंगे। साथ ही साथ मदन मोहन टेम्पल कूच बिहार में, वहां पे भी जाएंगे ये। तो ये कम्युनिटी है कौन, इतिहास देख लीजिए आप, कमता किंगडम से ये बिलोंग करती है। कमता किंगडम आपको पता ही है आसाम, वेस्ट बंगाल और उसकी एडजॉइनिंग टेरिटरीज उसको पूरा कंप्राइज करता था। कम्युनिटी बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी, कमतापुर की टेरिटरी को ये रूल करते थे एक समय में। देखिए पहले बंगाल जो है ना वो बहुत बड़ा था, उसमें आसाम भी आ जाता था, उसमें आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वो सब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फिर बंगाल जो है वो एक साथ आया, मतलब 1913 में ये डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे वो अलग कर दिए गए, और आजादी के बाद ये जो कूच बिहार रॉयल फैमिली वाला जो भी हिसाब किताब था उसको भी खत्म किया गया। तो आजादी के बाद सब कुछ बदल गया। तो पहले जो है कमतापुर जो काफी बड़ी टेरिटरी थी, और ये जो कम्युनिटी थी ये यहां पे इनका बड़ा दबदबा था। इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रिंसली स्टेट है कूच बिहार, इट बिकेम द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का पार्ट हो गया। और आज की बात करें तो कूच राजबंशी जो है वो आसाम में पाए जाते हैं, मेघालय में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, और बिहार और बांग्लादेश, नेपाल और सम पार्ट्स ऑफ भूटान में पाए जाते हैं। यानी कि इनका नंबर अच्छा खासा है। अब आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एड्रेस करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी वोट पॉलिटिक्स है भाई ये, आप कैसे भूल सकते हो। वेस्ट बंगाल में आप देख ही रहे हो ना ममता बनर्जी की, वेस्ट बंगाल की, वैसे मैंने पूरा इतिहास कवर किया है 1947 के बाद, ज्योति बसु की बायोग्राफी, भाई 34 साल तक तो वेस्ट बंगाल में लेफ्ट रूल था कम्युनिस्ट, उसके बाद फिर तृणमूल कांग्रेस, 2011 से ममता बनर्जी जो है वो सत्ता में है, और वेस्ट बंगाल में जिस तरीके की हिंसा, हिंसक सियासत हो रही है, हिंसा हो रही है वहां पे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदियों को मारा जा रहा है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं। और ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं तो गलती है, और बीजेपी की भी, दोनों की ही गलती है, लेकिन ये पॉलिटिक्स है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में जो नंबर है वो 33 लाख है, 33 लाख। वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं ना लेजिस्लेटिव, और मैंने बताया कि 2011 से ममता बनर्जी अभी तक काबिज है सत्ता पे। साथ ही साथ अगर वेस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 9 करोड़ के आसपास है, 2011 का सेंसस है, वहीं अगर आसाम की बात करें तो 3 करोड़ के आसपास है, और यहां पे 33 लाख वेस्ट बंगाल में राजबंशी हैं, जो कि ज्यादातर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट और आसाम में और ज्यादा ही है। टोटल हम इनके प्रेजेंस की बात कर रहे हैं आसाम और बंगाल को मिला के, यानी कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटीज है आसाम में। हितेश बर्मन जो कि चीफ एडवाइजर हैं
ऑल कोच राजबंशी स्टूडेंट यूनियन AKRSU, उन्होंने बोला कि हम लार्जेस्ट कम्युनिटी हैं, तो आप हमको तो दरकिनार कर ही नहीं सकते। 126 आसाम में असेंबली कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा सीटें हैं, उसमें से डायरेक्टली 28 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी पे ये असर डालेंगे। 28 बेटा 28। 2016 में अभी सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी की सरकार है आसाम में, तो बीजेपी 61 सीटें जीती थी, आपको पता ही है, ठीक है, तो बीजेपी की सरकार बनी। अब यहां पे 126 में 28 सीटों पे सीधा इनका दबदबा है, ठीक है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि इस कम्युनिटी को टारगेट करो, जितना ज्यादा हो सके हम इन कम्युनिटी को वादे करें। अब वो तो रिजल्ट बताएगा कि आगे क्या होता है। वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं कि ये कम्युनिटी एक डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकती है। 15 सीट आउट ऑफ 294, मोर देन 90% ऑफ द इलेक्टोरेट इन नॉर्थ बंगाल दे अकाउंट, तो अच्छा खासा प्रेजेंस है। लोअर आसाम की बात करें तो माइनॉरिटी वोट्स विल बी डोमिनेंट, लेकिन नॉर्थ बंगाल कंस्टिट्यूएंसी की बात करें तो कोच राजबंशी का जो वोट फैक्टर है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा बेटा, ध्यान रखना इसमें। तो इसीलिए अमित शाह दौरे पे हैं और इस कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे। अब राय जो है, अनंत राय जो है, वो ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन GCPA के फाउंडर हैं। और देखिए, राजबंशी का रिप्रेजेंटेशन GCPA और भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अपने आप को महाराज बताते हैं, पहले कूच बिहार में रहते थे, अब चिरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में रहते हैं। इन्होंने ये ऑलरेडी बोला है लोकल्स को कि वी आर दी एलाई ऑफ दी NDA, यानी कि हम बीजेपी के साथ हैं। अमित शाह अनंत राय से ही मिलेंगे और अनंत राय NDA के साथ है, यानी कि लोकल्स को क्या बोला जा रहा है कि हम NDA के साथ है, तो वोट किसको दो? बीजेपी को। दैट मींस जहां वेस्ट बंगाल 2016 में इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी छोड़िए, 294 में से 293 पे तृणमूल कांग्रेस ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, 211 सुपड़ा साफ कर दिया था ममता बनर्जी ने। बीजेपी ने भी 291 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, खाली 3 जीती थी, 3 सीटें बस। तो इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है ना। राय जो है वो एक रिलीजियस लीडर है चिरांग में और कम्युनिटी में इनकी लार्ज फॉलोइंग है, तो इसीलिए अमित शाह का पॉलिटिकल दिमाग तो बहुत ही तेज चलता है ना। तो अमित शाह जो है इसीलिए उनके साथ मिलेंगे, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा होगा नॉर्थ बंगाल और आसाम में, ठीक है। ये सीनियर बीजेपी लीडर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की है। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने बताया ना कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि ज्यादातर वेस्ट बंगाल में है। और ये काफी समय से कमतापुर, क्योंकि पहले कमतापुर ही था ये, मतलब कमतापुर में ये जो कूच राजबंशीज हैं इनका दबदबा था, तो शुरुआत से 1947 के बाद से ये कमतापुर एक सेपरेट स्टेट हमको बनाना है, जो नॉर्थ बंगाल और कुछ पार्ट्स ऑफ लोअर आसाम का कंसिस्ट करेगा। अब इसके लिए एक मिलिटेंट आउटफिट भी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है KLO, कमतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपने इसका नाम सुना होगा, जो ये बोलता है कि हमको तो अलग ही राज्य चाहिए, कमतापुर चाहिए, और उसके लिए हम हथियार उठा लेंगे स्टेट के खिलाफ। तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो अमित शाह जो है वो कूच राजबंशी वोट को कंसोलिडेट करने आ रहे हैं। अनंत राय का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, जो कि एक रिलीजियस गुरु है, और अगर कोई धार्मिक गुरु होता है तो लोग उनकी बात सुनते हैं। बीजेपी जो है वो इश्यूज पे बात करेगी, कम्युनिटी की डिमांड्स को देखेगी। और यहां पे तो वैसे जो AKRSU के यूनियन जो लीडर है उन्होंने यही बताया है कि फिलहाल तो हमारा मेन मुद्दा यही होगा कि जो हमारी डिमांड्स है वो बीजेपी फुलफिल करे। अब देखिए, ये तो खाली एक सेकेंडरी सिंपल सी बात है यार, अगर मैं ही एक पॉलिटिशियन हूं ना और मैं कहीं जाऊंगा तो मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि मैं वोट मांगने जा रहा हूं, मैं तो ये बोलूंगा ना नहीं वोट तो सब, ये तो सेकेंडरी है यार, मैं आपकी डिमांड्स को पूरा करूंगा, मेरा कर्तव्य है ये। हालांकि मैं अगर पॉलिटिकल लीडर होऊंगा तो असली पॉलिटिकल लीडर वही होते हैं जो दोस्तों जो वाकई में डिमांड्स को पूरा करें, लेकिन आज वो कुछ धुंधला सा गया है। क्यों? पॉलिटिकल लीडर्स ये पहले के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है जो जनता को केंद्र में लगते थे, थोड़ी बहुत टसल हमेशा होती है। आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स दोस्तों, चाहे कोई भी हो, वो बहुत कम ऐसे बचे जो जनता को केंद्र में रखें, वरना तो आपको पता ही है कि एक आम इंसान को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है अगर उसको कोई काम करवाना होता है, या कहीं अगर उसका मुकाबला किसी ताकतवर इंसान से हो जाए तो भारत में उसको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। बट एनीवे, तो वेस्ट बंगाल में आपको पता है 34 साल का लेफ्ट फ्रंट का रूल था,
फिर तृणमूल कांग्रेस आई है, तो चलिए अच्छा 2019 के जो लोकसभा पोल्स हुए थे ना, आप ये देखिए, ये बीजेपी ने पासा पलटा है, 8 में से 7 सीटें जीती हैं नॉर्थ बंगाल में, और ये कोई ये बहुत बड़ी बात है। जहां पे पिछले विधानसभा में बीजेपी का बहुत ही खराब प्रदर्शन था, इस बार बीजेपी ने बढ़िया काम किया है। 2012 में अब तृणमूल कांग्रेस भी हाथ पे हाथ धरी नहीं बैठी हुई है। अब देखिए कूच बिहार पंचनन वर्मा यूनिवर्सिटी इन्होंने एस्टैब्लिश की, जो कि राजबंशी लीडर और रिफॉर्मिस्ट के ऊपर थी। ममता बनर्जी ने यह बोली दिया है कि हम नई पुलिस बटालियन, जिसमें इंक्लूडिंग नारायणी इन कूच बिहार, कूच राजबंशी, जो कई समय से ये बोल रहे हैं कि एक नारायणी रेजिमेंट होना चाहिए इंडियन आर्मी में, इस बार हम ये करने वाले हैं, हम पुलिस में ये रेजिमेंट देंगे, क्योंकि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट होती है। सेंटर की बात करें, सेंटर ने क्या किया है, पद्मश्री दिया धर्म नारायण वर्मा, जो कि रिटायर्ड टीचर है कम्युनिटी। अब आप देखो यार पॉलिटिक्स क्या, इधर ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है कि जो तुमको चाहिए हम देंगे तुमको, और इधर बीजेपी सेंटर गवर्नमेंट लगी हुई है, कांग्रेस कहां है। अब सरकार ने पिछले साल आसाम में कमतापुर ऑटोनोमस काउंसिल बनाया, जिसमें कूच राजबंशी विलेजेस थे। ऑटोनोमस काउंसिल का आपको कंसेप्ट पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब है, अब देखते हैं जब इलेक्शन होंगे वो, तो तभी पता चलेगा कि क्या किसके पक्ष में रिजल्ट गया, और तब हम विस्तार से इसकी बात करेंगे। तो ये लेक्चर था, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल 13,100 सब्सक्राइबर, आप इसी को ही ज्वाइन करिए। रुक गए हैं आप लोग, लगता है फेक चैनल पे जा रहे हो, उसको ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत तक नहीं होती। साइनिंग ऑफ।